जब अली असगर को मैदान में इमाम हुसैन लाते हैं तो 10 मुहर्रम के दिन कर्बला में तमाम फौजे यजीद ये कहती है शायद हुसैन कुरान लेके आए हैं। इमाम हुसैन अपनी अबा को हटाकर फौजी अश्किया के सामने कहते हैं, ऐ लोगो अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है, इस 6 माह के मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? ये रसूल अल्लाह के गुलशन का छोटा सा फूल है, 3 दिन से मुसलसल पानी न होने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। ऐ जालिमो इस मासूम अली असगर को पानी पिलाओ। तमाम लोग एक ही आवाज में कहते हैं, ऐ हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो, अगर वाकई असगर हमसे पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पिला लेंगे। इमाम हुसैन अली असगर को देखते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे असगर मांग अपने नाना की उम्मत से पानी, वरना रोजे महशर ये लोग कहेंगे अगर असगर पानी मांगता तो हम इसको पिला लेते। अली असगर तमाम लश्कर की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तारीख ने लिखा अली असगर की आवाज में इतना दर्द था कि फौजे यजीद हिलने लगी। इतने में उमर बिन साद कहता है, ऐ हुरमला देखता क्या है, असगर का निशाना ले और तीर चला, ऐसा ना हो कि असगर फिर से पानी मांगे और फौजे यजीद बगावत पे उतर आए। बस वो तीर जिससे जानवरों का शिकार होता था अली असगर का निशाना करके मारा गया। तारीख ने लिखा उस तीर की 3 नोकें थी, 1 नोक अली असगर की कान पे लगती है, 1 नोक अली असगर के गले पे लगती है और 1 नोक अली असगर की कमर में लगती है। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगता है। अली असगर के जिस्म से थोड़ा सा खून निकलता है, थोड़ा सा माँ का दूध निकलता है। इमाम हुसैन अली असगर को देखते हैं और आसमान को देखते हैं, चाहते हैं कि अली असगर का खून आसमान की तरफ रवा करे। आसमान रोक के कहता है, ऐ मेरे गरीब इमाम अगर खून असगर हमारी तरफ भेजा तो कयामत तक हम पानी नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन चाहते हैं कि खून असगर को जमीन के हवाले करे। जमीन रोक के कहती है।